यार बोजी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तू मुझे यहाँ लेके आई है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? मुझे छोटी का छोटी का दत्तरी, कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। और तेरा बर्थडे है ना छोटी, इसलिए मैं यहाँ तुझे लाई हूँ। नहीं तो ना ही तू इतनी अच्छी है, ना ही तू इतनी समझदार जो तुझे मैं यहाँ लेकर आती हूँ। यार पर जो भी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी हिटलर मैम मुझे यहाँ लेके आई है। हिटलर? अच्छा बच्चू, लेके चलो घर वापस। अरे सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। छोटी तेरे लिए एक और बढ़िया सरप्राइज है। यार बड़ी, मुझे तो आज तू रुलाई देगी। हाँ हाँ, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, चल मेरे साथ। चल छोटी, चल बड़ी। कैसा लगा सरप्राइज? यार बड़ी, तूने तो पूरी तैयारी कर ली थी मेरे बर्थडे की। मैं क्या करूँ, मेरी बहन इतनी प्यारी है, इसके लिए तो इतना करना ही था। चल चल, बात कम कर, केक काट जल्दी। यार बड़ी, मेरा पहली बार इतना बेस्ट बर्थडे बन रहा है। चल चल, केक काट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर छोटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार बड़ी, मेरे छोटे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया है। अच्छा, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही तो तू नहीं सोच रही? स्नोमैन! हाँ चल, मिलके स्नोमैन बनाते हैं। चल जल्दी आ जा। यार बड़ी, मेरे साथ में सांप आ रही है, मैं नहीं बना पाऊंगी, तू ही बना के ले। अरे भाई, मैं क्या मिस्त्री हूँ, जा यहाँ पे मैं स्नोमैन बनाऊ और तू मुझे बैठ के ऑर्डर दे। यार बड़ी, मेरा बर्थडे प्लीज बना देना तू। बर्थडे गया तेल लगाने, चुपचाप से ना स्नोमैन बना ले, नहीं तो मैं भी नहीं बनाऊंगी। यार बड़ी प्लीज। ठीक ठीक है ठीक है, यही सब बोल के बहुत ब्लैकमेल कर रहा तू। बना रही हूँ, अच्छे से कर। भाई मैं भी नहीं बना पाऊंगी, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। एक काम करते हैं, स्नोमैन को टाटा बाय बाय कर देते हैं। यार बड़ी, मेरा स्नोमैन। रो मत टाटा। आइडिया, एक काम करते हैं, तू वहाँ से बहुत सारी बर्फ ला और मैं यहाँ से बर्फ लेकर आती हूँ। छोटी, क्या फाड़ू लग रहा है अपना स्नोमैन, पर अभी भी कमी लग रही है। आइडिया। अब लग रहा है असली स्नोमैन। यार भाई, चल इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। हाँ हाँ, चल चल फोटो खींचते हैं, आजा। छोटी बर्फ गिर रही है, चल चल अंदर चलते, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बाय स्नोमैन। चल चल। भैया, अरे ओ भैया, कार में रुई डाल रखी है। भैया। हाँ जी मैडम, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। भैया, हम एक महंगा सा और एक बढ़िया सा रूम चाहिए। ये लो एटीएम कार्ड, हमारे बाप के पास पैसा ही पैसा है, जल्दी से एक अच्छा सा रूम दे दो। ये लीजिए मैम आपकी की थैंक यू। चल छोटी, चल बड़ी। दिल इतना बड़ा है, पर छोटी ये जगह तो तेरे लिए बहुत छोटी है।
चार बजे मुझे अपना प्रिंसेस वाला रूम देखने, जल्दी चल। ठीक है बाबा, ठीक है, देख लियो अपना प्रिंसेस वाला रूम भी। चल छोटी, चल बड़ी। तुमने बढ़िया होटल में आने का फायदा ही क्या, जब मैं यहाँ पे चोरी ना करूँ। पापा भी मम्मी भी खुश हो जाएंगे। एक टावल, दो टावल, तीसरा टावल, बस ये भी तो है। ब्रश कब काम आएगा? ये भी। ओहो, और तो मजा आ जाएगा चुरा के। छोटी ने क्या क्या चुरा लिया होगा। चलो चलो, अरे खुद जा। ये भगवान चुपती दे। भैया छोटी, ये क्या कर रही है तू? बड़ी, हमारे घर में शीशा टूट गया था ना, इसलिए मैं सोची इसको चोरी करके घर ले जाऊं। अबे ओ पौवी, चोरी करके घर ले जाऊं, इसको उठाएगी कैसे हैं? पागल गई, कुछ देख के तो चुरा। आइडिया, बड़ी चुराती हूं। ओए मां, जा जल्दी। अब क्या हो गया? आ रही हूँ। क्या हो गया? कौन सो रहा है? अबे ओ गधी, बहुत सो नहीं रहा, किसी ने हमारा स्नोमैन तोड़ दिया है। चुप कर, रो मत। एक काम करते, बाहर चल के देखते हैं। चल जल्दी, चल जल्दी, चल। इतनी मेहनत से स्नोमैन बनाया था, कोई कोई लोगों ने इतनी आसानी से तोड़ दिया। यार मैं छोटे को ऐसे रोते ही नहीं देख सकती, मेरी बेचारी बहन का बर्थडे ऐसे कैसे खराब होने दूं? उन लोगों की वजह से ये क्यों रोए भला? मैं इसके लिए इससे भी बड़ा स्नोमैन बनाऊंगी। हाँ, और ये खुश हो जाएगी। मैं जा रही हूँ रोने के लिए। अरे छोटी मत जा। चलो कोई नहीं, मैं पहले बना लेती हूँ, फिर इसको इतना अच्छा सरप्राइज दूंगी। आ, नो चीटिंग, नो चीटिंग। आंखें नहीं खोलनी, आ इधर आ, इधर आ। आंखें बंद होनी चाहिए अभी भी। आंखें नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना। 1 2 3 आंखें खोल। बड़ी, ये सामान कैसे जिंदा हो गया? ये जिंदा नहीं हुआ मैडम, इसको मैंने फिर से मेहनत करके खुद बनाया, वो भी सिर्फ तेरे लिए। अरे बड़ी, लग नहीं रहा कि तू मेरी बहन है। चुप कर, मक्का मत बाल, फाते का बहुत काम ज्यादा। चल चल, तू मैन के साथ तो फाइट करते हैं। हाँ हाँ, तो फाइट करते हैं। चल चल चल, चल। हे भगवान, ये चुड़ैले अभी तक सो रही हैं। उठ जाओ देवियों, स्कूल नहीं जाना तुमको। यार बड़ी, मम्मी की आवाज आ रही है ना? अरे उठती हो या बुलाओ तुम्हारे बाप को। हाँ यार, आवाज तो मुझे भी आ रही है मम्मी की, तुझे भी आ रही है क्या? हाँ। क्या ये सपना था? हम धंधा करना नहीं है, स्कूल के लिए सोती रहती है, सोती रहती है, लेट हो जाओगे फिर। नलायक औलाद, उठो। हे गाइस, सॉरी, बहुत स्लीपी है।
Hey guys, तो कैसे आप सब और कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना मैं सभी को मत बोलना। तो देख रहे हो कितनी ठंड में सर्दी में शूट किया मैंने, मजा आ गया। दिल्ली में तो बर्फ खत्म हो गई इसलिए मैं बर्फ को ढूंढते यहाँ तक आ गई। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे, बहुत मेहनत करी हमने, मैंने बहुत ठंड में ऐसी तैसी करवाई है, तो ठीक है मैंने करवाई है। ठीक है, मिलती हूँ मैं जल्दी एक प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।